उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने एक अनोखी पहल करते हुए 80 प्लस और दिव्यांगजनों के लिए एक ऐसा तोहफा दिया है जो कि लोग पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच पाते थे और अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते थे, उनके लिए चुनाव आयोग ने विशेष सुविधा देते हुए एक खास टीम नियुक्त की है। इसमें मतदाताओं के आवास पर जाकर ही वोटिंग कराई जा रही है। जनपद अयोध्या की गौसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के मोतीगंज में पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांग और 80 प्लस के मतदाताओं का वोट डलवाया। इसमें विधानसभा की सबसे बुजुर्ग मतदाता 101 वर्षीय नजीबुल निशा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट लवकुश भारती ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल और बीएलओ के द्वारा दिव्यांग और 80 प्लस मतदाताओं के नाम चिन्हित किए गए थे और उनका वोट पोस्टल बैलेट के द्वारा डलवाया जा रहा है। आइए देखते हैं अयोध्या संवाददाता पवन कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट। जनपद अयोध्या की विधानसभा गोसाईगंज में जहाँ पर चुनाव आयोग ने एक तोहफा दिया है 80 प्लस और पूर्ण रूप से विकलांग मतदाताओं के लिए, जिनका वोट उनके घर घर जाकर सेक्टर मजिस्ट्रेट की अगुवाई में और बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनका वोट पड़ रहा है। आइए सर से पूछते हैं किस तरह से वोट डाला जा रहा है। सर, लाइव टीवी समाचार से आप रूबरू हैं। सर, ये थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस कर दीजिए कि किस तरह से ये जो 80 प्लस के जो मतदाता हैं और जो पूर्ण रूप से दिव्यांग हैं, कैसे इनका वोट डाला जा रहा है? सर, ये देखिए, निर्वाचन आयोग की तरफ से हम लोग को जो प्रशिक्षण दिया गया है, सर, ये बताया गया है कि आपको बीएलओ और सुपरवाइजर के माध्यम से आपको जो आपको लिस्ट निर्वाचन के लिए मतदाता सूची बनाई गई है उसमें 80 प्लस या दिव्यांग डिसेबल, ठीक है, जो उनका मेन टारगेट ये है कि जो बूथ स्थल तक पहुंच ना सके, ठीक है, अथवा किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्होंने एक जैसे गोसाईगंज 276 में इन्होंने 3 टीमें गठित की हैं। टोटल मतदाता लगभग 1000 के आसपास हैं। इस टाइप की हमारे जो है गोसाईगंज में 3 टीमें मूवमेंट में हैं, जिसमें 17, 18, 19 तक हम लोग ये वोटिंग करा रहे हैं घर घर जाके ऐसे व्यक्तियों को जो 80 प्लस अथवा डिसेबल कंडीशन में हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो मतदाता किसी कारणवश उस समय नहीं मिल पा रहे हैं तो उनके लिए हम लोगों ने 20 तारीख का डेट निर्धारित किया है। और बाकी फर्स्ट टाइम भी यह देखा गया है कि भाई घर घर जाने में कर्मचारियों को भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी है कि चुनाव आयोग का आदेश है उसका हम लोग। सर, अभी एक वोट पड़ा है, हमने देखा यहाँ पे नजबुल निशा का, क्या उम्र होगी सर इनकी? मुझे खुद अपने आप में अजीब लग रहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहाँ पे हम इस समय वोटिंग कराने आए हैं इनकी एज 1+1 यानी 101 वर्ष है। मुझे खुद इस बात की खुशी हो रही है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और ऐसे मतदाताओं को वास्तव में घर घर जाके वोटिंग कराने की सुविधा बहुत ही सभी मतदाता सराहनीय हैं, सराह भी कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी नजबुल निशा जी का वोट पड़ा जिनकी उम्र 101 वर्ष है और शायद ही ऐसे कई मतदाता जो पूरे गोसाईगंज क्या पूरे जनपद में लगभग 4400 ऐसे मतदाता हैं जिनका वोट नहीं पड़ पाता था, तो चुनाव आयोग की विशेष पहल हुई है। लाइव टीवी समाचार के लिए पवन कुमार सिंह अयोध्या।